हाय, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन ओपन कंसल्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लैप्रोस्कोपी द्वारा या लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कराने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो दिस वीडियो इज अबाउट एडवांटेजेस ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ओवर ओपन सर्जरी। अगर आपके डॉक्टर आपको ऑप्शन देते हैं या अगर आपको चूज करना पड़ता है कि मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराऊं या ओपन सर्जरी कराऊं, तो इन दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन है और क्यों? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराने के कौन कौन से फायदे। आप इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है, किसी को कोई ऑपरेशन कराना है, तो आप उनको ये वीडियो दिखाइए, उनको शायद अपना ट्रीटमेंट ऑप्शन डिसाइड करने में मदद। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आप और कौन सी चीज़ के बारे में जानना चाहें। तो सबसे पहला फ़ायदा है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराने का, वो ये है कि ओपन सर्जरी के कंपैरिजन में आपकी रिकवरी जो है वो फास्ट होती है। कहने का मतलब कि अगर ओपन सर्जरी हुई हो किसी की, फॉर एग्जांपल ओपन अपेंडिक्स का ऑपरेशन या ओपन गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया हो किसी का, अगर उसको रिकवर होने में 10 दिन लगते हैं, तो लैप्रोस्कोपी द्वारा जिसका ऑपरेशन हुआ है उसको रिकवर होने में 3 या 4 दिन लगते हैं। तो आपको जो रिकवरी का टाइम है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज कि पेन जो है वो काफ़ी कम होता है। लैप्रोस्कोपी द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें जो वूंड है, जो घाव है, वो बहुत छोटे होते हैं, 1 सेंटीमीटर या उससे भी कम होते हैं। तो उनके द्वारा जो पेन होता है वो काफ़ी कम होता है, पेशेंट को उससे तकलीफ बहुत कम होती है। वहीं अगर आप ओपन सर्जरी में देखेंगे तो जो वूंड है वो काफ़ी बड़ा होता है और उसके होने द्वारा होने वाला पेन जो है वो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो ओपन सर्जरी में आपको पेन ज़्यादा होता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेन कम होता है। नेक्स्ट इज कि जो ओपन सर्जरी है उसमें जो वूंड हीलिंग है, जो घाव भरने की जो प्रोसेस है, वो ज़्यादा लंबी होती है और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे हील होता है क्योंकि बड़ा वूंड है। कंपेयर दैट टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जहाँ पे छोटे छोटे 3 या 4 वूंड है, वो भरते भी जल्दी हैं और उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होते हैं। सो द थर्ड बेनिफिट इज कि आपका जो वूंड हीलिंग है वो फास्टर होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम होते हैं। नेक्स्ट फायदा इसकी, देखने में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जो स्कार्स हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और कॉस्मेटिकली ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। अगर आप बारीकी से ढूंढें तो ही आप पता कर पाएंगे कि किसी का कोई पेट का ऑपरेशन हुआ, लैप्रोस्कोपी के स्कार्स इतने छोटे होते हैं। उसी के कंपैरिजन में ओपन सर्जरी के जो स्कार्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और हो सकता है कि वो देखने में अच्छे ना दिखें। नेक्स्ट जो फ़ायदा है वो ये है कि लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के बाद में आपको हॉस्पिटल में कम रहना पड़ता है। ओपन सर्जरी में आपकी रिकवरी स्लो होती है, आपको ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है रिकवर होने के लिए। वहीं पर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद में आपको उतनी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो आपको घर जाने की छुट्टी जल्दी दी जा सकती है। तो आपका जो हॉस्पिटल स्टे है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद में काफ़ी कम हो जाता है। ओपन वर्सेस लैप्रोस्कोपी, अगर आपके पास ऑप्शन है और आप लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कराते हैं, तो फ्यूचर में अगर आपको टच वुड अगर जरूरत पड़ गई कोई ऑपरेशन कराने की, तो उसके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे आएंगे, क्योंकि आपका जो पिछला ऑपरेशन है वो लैप्रोस्कोपी द्वारा किया गया। उसी के कंपेरिजन में अगर ओपन टेक्निक द्वारा किया गया होता तो आगे जाके पेट के अंदर जो एडेशन, जिनको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, यानी कि अंदर जो जो ऑर्गन चिपक जाते हैं, जो इंटेस्टाइन आपस में चिपक जाती है, वो लैप्रोस्कोपी के कंपैरिजन में ओपन में ज़्यादा होते हैं, लैप्रोस्कोपी में कम। लैप्रोस्कोपी द्वारा अगर आपने कोई ऑपरेशन कराया तो आपके फ्यूचर में अगर कोई ऑपरेशन हो रहे हैं तो उनके कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। लैप्रोस्कोपी द्वारा जब ऑपरेशन कराते हैं तो डॉक्टर के पास देखने के लिए आजू बाजू काफ़ी सारी फ्रीडम होती है, यानी कि लैप्रोस्कोपी द्वारा जब कैमरा अंदर डाला जाता है तो आपके पूरे पेट के अंदर जो भी ऑर्गन है सबको एक ही नज़र में देख लिया जा सकता है। तो अगर उसी के साथ कहीं पे और कोई फैला हुआ इन्फेक्शन हो, कोई और बीमारी हो, तो उसका ट्रीटमेंट वहीं के वहीं उसी ऑपरेशन करने के दौरान किया जा सकता है। वहीं अगर ओपन ऑपरेशन की आप बात करें तो ओपन ऑपरेशन में सर्जन के पास जो देखने की क्षमता है, जो जितना एरिया है जो वो देख पा रहे हैं, ऑपरेट कर पा रहे हैं, वो लिमिटेड होता है। तो अगर उसके बाजू में कोई बीमारी हो रही हो या शरीर में और कहीं या पेट में और कहीं कोई बीमारी हो रही हो तो वो सर्जन नहीं देख पाता है, तो हो सकता है कि उसका वो ट्रीटमेंट ना कर पाए और बाद में आपको फिर से वही तकलीफ हो और आप परेशान होते हैं। तो लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन ऑल्सो प्रोवाइड यू विद बेटर डायग्नोसिस अलॉन्ग विद बेटर सर्जिकल आउटकम एंड ट्रीटमेंट। लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के बाद में आपके चलने फिरने की जो कैपेबिलिटी है वो भी जल्दी शुरू आप कर सकते हैं, यानी कि अपना डेली रूटीन एक्टिविटी में ज़्यादा जल्दी आ पाते हैं और आपको उतना बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि
बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है आफ्टर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, बिकॉज आप फिजिकली एक्टिव जल्दी होता है। अगर आपको प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट करवाया जाए ओपन सर्जरी के बाद, जैसे कभी कभी कराना पड़ता है, तो पैरों में ब्लड के क्लॉट्स बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिनको कि मेडिकल लैंग्वेज में डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी कहते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो आपको अलग परेशानी दे सकता है और कई बार वो मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है, कई बार हो सकता है कि वो बहुत ही सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में। तो लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन के बाद, क्योंकि आपकी एक्टिविटीज जल्दी शुरू की जा सकती है, आपको डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस कम होते हैं, इसीलिए ओवरऑल आपका जो ऑपरेशन की आउटकम है वो सेफ और ज्यादा अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट सवाल ये आता है, जो पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कराना सेफ है। द आंसर इज कि यस, लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कराना सेफ है, बट अगर आप समझ रहे हैं कि उस ऑपरेशन कराने में कोई रिस्क नहीं है तो ऐसा नहीं है। कोई भी ऑपरेशन कराइए, ओपन या लैप्रोस्कोपी, हर एक प्रोसीजर की शरीर के ऊपर कई सारे इफेक्ट्स होते हैं और उनके द्वारा कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। ऑपरेशन के कॉम्प्लिकेशन के चांसेस अलग होते हैं, एनेस्थीसिया के चांसेस के कॉम्प्लिकेशन के चांसेस अलग होते हैं, तो वो सब आपके डॉक्टर आपको कौन सा ऑपरेशन हो रहा है उसके ऊपर बेस्ड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो लैप्रोस्कोपी हो या ओपन, बिना रिस्क या बिना कॉम्प्लिकेशंस के नहीं है। लैप्रोस्कोपी द्वारा ऑपरेशन कराने के भी रिस्क है, कॉम्प्लिकेशन है, बट ये सब होते हुए भी मैं कहूंगा कि वो ऑपरेशन कराना सेफ है। नेक्स्ट, जो लोग जानना चाहते हैं कि क्या लैप्रोस्कोपी ऑपरेशन कराने के कोई साइड इफेक्ट्स हैं, तो उसका आंसर ये है कि कोई उसके परमानेंट ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो सिर्फ ऑपरेशन करने का एक तरीका है। पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी तो ओपन टेक्निक द्वारा ऑपरेशन किए जाते, अब वही ऑपरेशन जो है वो लैप्रोस्कोपी द्वारा किए जाते, तो ये कोई नया ऑपरेशन नहीं है, ये सिर्फ ऑपरेशन करने का एक नया तरीका है। तो इसके कोई ऐसे परमानेंट साइड इफेक्ट्स नहीं है जो कि आपको लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कराने की वजह से होंगे। जो भी तकलीफ है, जो भी साइड इफेक्ट्स है, जो भी कॉम्प्लिकेशन या रिस्क है, वो ऑपरेशन के होते हैं, डिपेंडिंग कि बॉडी के कौन से ऑर्गन का ऑपरेशन किया जाए। सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो टू एक्सप्लेन यू एडवांटेजेस ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। इससे ज्यादा अगर आप कुछ जानना चाहेंगे तो बेशक आप कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कीजिए। लिव हेल्दी, लिव स्मार्ट।